Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel IQ World with your host Rajendra Kumar. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि आप देख रहे होंगे, टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे. तो टॉपिक ऑफ द डे क्या है आज? अनलॉक फोर. अनलॉक फोर जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं जिसके वजह जो हमें पालन करने हैं और वो अनलॉक फोर की सिचुएशन में यूज किए जाएंगे. अनलॉक फोर बेसिकली है क्या? गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स पब्लिक को रिलीफ देना और इकोनॉमी को खोलना. ये एक प्रोसेस है. जैसे अनलॉक वन, अनलॉक टू, अनलॉक थ्री, ये अनलॉक फोर अभी नई गाइडलाइंस आई है. इसके थ्रू गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि धीरे धीरे इकोनॉमी जो उनको खोला जाए. तो अनलॉक फोर में जो सबसे पहला चीज है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन इशू की है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन. ये इस गाइडलाइन के तहत जो जो चीजें भी खुलेंगी, जो चीजें भी नहीं खुलेंगी, वो सारी चीजें आपको मद्देनजर रखना है. और एज ए सिटीजन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको फॉलो करें और उन सब चीजों को गवर्नमेंट चाहे वो जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले, लेकिन फॉलो करना जनरली आम जनता का काम है. तो आम जनता का काम क्या है कि वो जो भी चीजें हैं उसको एडहेयर करना है, उसको फॉलो करना है, ताकि हमारे जो कम्युनिटी है उसके बीच में ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड ना हो. इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने जैसे कि सबसे पहले क्या मेट्रो रेल को परमिट किया है, जो कि 7th of September 2020 से इफेक्टिव होगा. 7th of September 2020 इफेक्टिव होगा, ये मेट्रो स्टार्ट होगी. लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन रहेगा कि ऐसा नहीं कि मेट्रो में, अब जैसे दिल्ली हो गया, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल लोग हैं या फिर ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे, तो ऐसे नहीं कि आप एकदम कि काफी भीड़ में जाना है आपको. जिनको जरूरत है, जिनको ऐसे भी एक ऑफिस स्किल वालों के लिए भी, जो जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनको लिए भी एक इंस्ट्रक्शन होगा कि ऑफिस आपको उन्हीं इतने ही लोगों को बुलाना है जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा ऑफिस वालों को नहीं बुलाना है. या फिर एक लिमिटेशन होगा कि हाँ 50% एम्प्लॉय को आप बुला सकते हैं या 40% एम्प्लॉय को बुला सकते हैं, बाकी को वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं, ताकि मास गैदरिंग ना हो. मास गैदरिंग ना हो, लोग सोशल डिस्टेंस का एप्रोप्रिएट पालन कर पाए. और जब जब तक ये सारे नॉर्म्स फुलफिल होंगे तब तक ये चीजें जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगी. लेकिन नॉर्म्स फुलफिल करने के लिए आम जनता को उतना ही सहयोग करना पड़ेगा जितने की गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है, उतना आपका भी फर्ज बनता है कि उससे इसको आप सपोर्ट करें. न्यू गाइडलाइंस के अंदर में व्हाट अबाउट द स्कूल एंड कॉलेज एंड ऑल दैट गवर्नमेंट प्रीमिसेस, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप देखोगे सोशल जितने भी सामाजिक कार्यस्थल होंगे, जितने भी सामाजिक कार्यस्थल है, एकेडमिक कार्यस्थल जो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या जो भी एकेडमिक कोचिंग्स हो गए, स्पोर्ट्स, बहुत दिनों से आप देख रहे हो कोई तरह के स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है. ऐसे क्रिकेट का इनिशिएटिव लिए आईपीएल हो रहा है, लेकिन आईपीएल में भी आप देखोगे कि सुरेश रैना बाहर हो गए आईपीएल से, क्यों? कोरोना की वजह से. तो ये सारा सिचुएशन है जो हमारे पास, जिसको हमें टैकल आउट करना है. तो इसीलिए गवर्नमेंट इस सबको अभी अलाउ नहीं कर रही है उस लेवल पे जो पहले थी सिचुएशन. अब जब तक अभी सब नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ये सारी चीजें, एकेडमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए, एंड अदर कॉन्ग्रीगेशन जैसे कोई अदर इंस्टीट्यूशनल हो गया, उन सबको अभी मतलब कि एक कंडीशन के साथ शुरू करना है. अगर सपोज कोई एकेडमिक है तो अगर उसमें आपको क्या, एक साथ 100% को बुलाने, मतलब 100, अगर आपके पास 500 की सीटें हैं, 500 लोग अगर वहां पे जा सकते हैं तो आपको सिर्फ 100% बुलाना है, जो कि इफेक्टिव होगा 21st of September 2020 से. और उससे ज्यादा पब्लिक को आपको गैदर नहीं कराना है, विथ फॉलोइंग आपको सारा जो सोशल नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, प्रोविजन फॉर थर्मल स्कैनिंग जो हर जगह रहेगा. जो सपोज अगर आपको यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है तो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग वो अवेलेबल ही रहेगा. और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैंड योर वॉश एंड सैनिटाइजर, आपको सैनिटाइजर कैरी करना है और वॉश, हैंड वॉश तो करना ही करना है. तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है. It always allow the opening of a open air theaters. It also allow the opening of a open air theaters with effect from 21st of September. Open air theaters को permission दिया जाएगा, जो कि effective होगा 21st of September से. But see, उसमें भी बहुत सारे आपको जो social norms है वो follow करने पड़ेंगे. कोई तरह का restriction नहीं होगा किसमें, इंटर और इंट्रा स्टेट कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इकोनॉमी जोन की तरफ से देखें या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ से देखें, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो ट्रांसपोर्टेशन तो अभी चल ही रही है, ऐसे रुकी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो इंट्रा कम्युनिकेशन है पब्लिक का या जनरली
तो मे बी बसेस स्टार्ट हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, या ट्रेनें स्टार्ट हो जिससे इकोनॉमिक को पटरी पे लाया जा सके। उसके बाद है जैसे स्कूल कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इनको अभी कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं मिला है, इनको बंद ही रहना है सितंबर मंथ के एंड तक। सितंबर मंथ के एंड तक इनको अभी तक, जो कि आप देखोगे 30 सितंबर 2020 तक इन्हें क्या सारे एक्टिविटी क्लोज रखने के लिए बोला गया है। 30 सितंबर 2020 तक सारी एक्टिविटी क्लोज रखने के लिए कही गई है। अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं हुआ है कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे, अभी तक तो गाइडलाइन नहीं है कि नहीं खुलेंगे। अब 30 सितंबर 2020 के बाद देखिए क्या इशू गवर्नमेंट गाइडलाइन लाती है कि स्कूल कॉलेज उसको खोलें, क्योंकि अभी बहुत सारा सिचुएशन हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे जैसे भी NEET JEE के एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया मन की बात में, लोगों ने डिसलाइक करना चालू कर दिया पीएम मोदी के बाद। मतलब पीएम मोदी ने ये डिस्कशन नहीं किया कि व्हाट अबाउट द बेरोजगारी, बेरोजगारी के बारे में क्या है, इन सब मुद्दों पे उन्होंने चर्चा नहीं की, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखोगे, कोविड की सिचुएशन में मास लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोग गांव में आ गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं करी मन की बात में, तो इसीलिए उनकी मन की बात को काफी लोगों ने डिसलाइक किया और काफी स्टूडेंट ने क्रिटिसाइज किया कमेंट पे। तो 9th से 12th के बीच में जो स्टूडेंट हैं इनको परमिट किया जाएगा ताकि वो अपने स्कूल विजिट कर पाए, अगर वो भी दैट विल अफेक्टिव फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन रहेगी कि तभी आपको अलाउ किया जाएगा जब आपको बहुत उस तरह का जरूरत होगा, या फिर कंटेनमेंट जोन में नहीं आता होगा, या फिर एक प्रॉपर वॉलेंटरी बेसिस पे आपको गाइडलाइन के साथ, अगर हाँ वो एरिया कंटेनमेंट जोन में है या नहीं है, तभी जाके अलाउ किया जाएगा, तब जाके स्कूल जा सकते हैं। लेकिन 9 से 12 बच्चों, बड़े बच्चों, छोटे बच्चों का कॉलेज स्कूल सभी बंद रहेंगे। नेक्स्ट है सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल। अब देखोगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स एक्सक्लूडिंग ओपन एयर थिएटर्स एंड सिमिलर प्लेस विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज, ये सारे क्लोज रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, ये सारे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्टेंस फॉलो नहीं कर सकते, वहां पे आप संपर्क में आओगे और वो बीमारी स्प्रेड होगी। लॉकडाउन सेल इज स्टेटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन द कंटेनमेंट जोन टिल 30th ऑफ सितंबर। गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट भी कंटेनमेंट जोन के लिए ये कंडीशन है कि 30 सितंबर तक उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई रिलायबिलिटी ना मिले, कोई रियायत ना मिले, और वो उनको बंद रखा जाए। और हायर एजुकेशन के लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने एक ये प्लान किया, जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च वर्क में PhD वाले लोग स्टूडेंट हैं, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना है, या फिर लेबोरेटरी यूज करनी है, लेबोरेटरी में जाके कुछ प्रैक्टिकल काम करना है, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एक गाइडलाइन या कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी उसको, ताकि जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है या जो रिसर्च वर्क है, जो बड़े बड़े PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई लेबोरेटरी यूज करनी है, कोई तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या वर्क एक्सपेरिमेंट करना है, तो उनको एक होम मिनिस्टर की तरफ से कंसल्टेशन लेकर ये काम करने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो ये था आपका जो टॉपिक ऑफ द डे के बारे में, जो अनलॉक 4 मैंने आपको डिस्कस किया। तो अब शुरू करते हैं आपका करंट अफेयर्स ऑफ 4 1st सितंबर। तो उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एटलीस्ट आप जब मुझे ये बताएंगे कि हाँ मैं कंटेंट अच्छा बनाया है, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा मेरे चैनल को। आप प्लीज़ अगर कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे मुझे ये पता चलना चाहिए कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है। तो ये जो भी करंट अफेयर बना रहा हूँ मैं आपको, ये नॉर्मल सारे कॉमन एग्जाम में काम आएंगे, जैसे कि UPSC हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, PSC हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं करंट अफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इन सारों में मैं द हिंदू एनालिसिस करता हूँ, द हिंदू से सारा कंटेंट उठाता हूँ और आपके आपके तक लेके आता हूँ सारा कंटेंट। तो आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं हूँ आपका एज यूजल होस्ट राजेंद्र कुमार। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसमें, कोई भी इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं 1st ऑफ सितंबर का करंट अफेयर्स डिस्कशन के साथ। इंडिया, चलिए पहला क्वेश्चन ये डिस्कस है करते हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड विच नेशन हैव जॉइंटली अनाउंस एज द विनर ऑफ 1st FDI ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020। इंडिया एक देश और है जो जॉइंटली उन लोगों ने
फर्स्ट ऑनलाइन एफडीआई ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीता है। इंडिया वो एक कौन सा देश है जो ये फर्स्ट एफडीआई ऑनलाइन चेस कंपटीशन को उन्होंने जीता है। ये पहली बार हुआ है कि एफडीआई जो है वो किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो ऑनलाइन ओलंपियाड एक ऑनलाइन फॉर्मेट में कराया है फर्स्ट टाइम, जिसमें इंडिया और रशिया ने इसको ज्वाइंटली इस ओलंपियाड को जीता है। तो वो है कंट्री रशिया, रशिया और इंडिया मिलकर इस ओलंपियाड को जीता है। तो इसमें देखना है कि जो हमारा फाइड है एफआईडी फाइड जो ये ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 करवाया था, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी डिवोरकोविच, डिवोरकोविच इसके प्रेसिडेंट है एफआईडी फाइड के। क्वेश्चन टू पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन टू क्या है, क्वेश्चन टू में है गवर्नमेंट ऑफ दुबई अथॉरिटी ऑन कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज, जो दुबई के गवर्नमेंट है वो कमोडिटी ट्रेड एंड एंटरप्राइज, कमोडिटी ट्रेड एंड एंटरप्राइज दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर डीएमसीसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुबई गवर्नमेंट का है, उन्होंने क्या किया है, हैज रोल्ड आउट अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म ऐप को डेवलप किया है, ताकि इस ऐप के थ्रू जो ब्रिज है इंडियन फार्मर्स में और जो वहां का जो कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू जो ब्रिज है उसको ब्रिज गैप को फुलफिल किया जा सके। अगर बहुत ज्यादा गैप है तो उसको ब्रिजिंग किया जा सके, ताकि जो इंडियन फार्मर्स है वहां के मतलब एग्रीकल्चर या फिर वहां के ट्रेडिंग सेंटर से डायरेक्टली जुड़ सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, ताकि इंडियन फार्मर्स को एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को एग्री प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सके। तो एग्री प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म, ताकि इसके बीच में कोई इंटरमीडिएटेड ना हो, उसको उनको कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए ये ऐप डेवलप की। तो वो ऐप कौन सा है फ्रेंड्स, वो है एग्रीगेटर ई मार्केट प्लेस, एग्रीगेटर ई मार्केट प्लेस कमोडिटीज ट्रेड एंड इंटरप्राइज पर दुबई अथॉरिटी की सरकार ने जो अभी ये ऐप लॉन्च की है वो है एग्रीगेटर ई मार्केट प्लेस। इसके थ्रू एक इनिशिएटिव है ताकि इंडियन फार्मर्स को एक स्कोप मिल सके डायरेक्टली अपने एग्री प्रोडक्ट को, जो उनके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली उस मार्केट में सेल अप करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक उनको क्या बेस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई ब्रिज नहीं होगा कि हाँ ये यहाँ से वहाँ जाएगा वहाँ से वहाँ जाएगा, वैसे नहीं होगा। आप डायरेक्टली अपने एंड से फ्रॉम इंडिया टू यूएई गवर्नमेंट के साथ ये डील फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप इन विच स्टेट, इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर कौन से स्टेट में स्थापित किया गया है, कौन से स्टेट में स्थापित किया गया, तो आपको जवाब देना है, जो कि एक वुमेन्स के लिए गुड इनिशिएटिव है। मतलब कि आज तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सुना था जहाँ से वर्ल्ड पूरी दुनिया ट्रेड करती है बिजनेस करती है, उसी तरह इंडिया जो अपने देश का इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप इन द स्टेट ऑफ, जो जिस स्टेट में ये वर्ल्ड ट्रेड वुमेन्स ट्रेड सेंटर सेटअप हुए वो स्टेट है हमारा केरला, केरला में ये चीजें की गई हैं। और हिंदी में बात करें तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वो है केरल। अब यहाँ जानने वाली क्या बात है, तो केरल के जो हमारे सीएम है वो कौन है, वो है पिनियारी विजयन जो सीएम है वहाँ के, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, तो आपको जवाब करना है बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल, इनमें से कौन सा वो राज्य है जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लागू किया है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ के सीएम, और वहाँ का गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करेंगे, तो क्या है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस फ्रॉम 31st October 2020, इंडिया का वो कौन सा पहला राज्य होगा जो सी प्लेन सर्विस स्टार्ट करेगा 31 अक्टूबर 2020 से, वो कौन सा पहला इंडिया का राज्य है जो सी प्लेन सर्विस स्टार्ट करेगा, मतलब कि अपने लोकल कम्युनिकेशन के लिए एक सी प्लेन। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे स्टेट में एक नदी है, तो
उस नदी से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए सी प्लेन, या फिर एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट को जोड़ने के लिए सी प्लेन सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जो इस फैसिलिटी को शुरू करने जा रहा है? भारत का कौन सा राज्य 31 अक्टूबर से 2020 31 अक्टूबर 2020 से पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू करने जा रहा है? तो वो है हमारा गुजरात। गुजरात वो राज्य है जो ये काम शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएम कौन है गुजरात के? तो गुजरात के सीएम है विजय भाई आर रूपानी। यहाँ के सीएम है विजय भाई आर रूपानी, गुजरात के सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के कौन है? गवर्नर आचार्य देवव्रत। और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। एक इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है जिसमें कि सपोज किसी भी तरह का क्राइम हो गया, अगर किसी को जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया हो गया हो, या उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया हो, या फिर उसको डिटेन कर लिया गया होगा, वो बहुत जैसे बाई चांस मतलब कि किसी को अगवा करके कोई ऐसा जगह पर डाल दिया, किसी को परेशान किया होगा, तो उस तरह का विक्टिम्स को एक सपोर्ट देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। तो किस दिवस को मनाया जाता है? तो वो है 30th अगस्त को। 30th अगस्त को ये मनाया जाता है। और इसमें जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो सेक्रेटरी जनरल है अपने यूएन के एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, उनका तरफ से ये इनिशिएटिव है ताकि ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस हो और एक सामाजिकता को स्थापित किया जा सके, लोगों में एक माइंड सेट बदले, परेशान जो ह्यूमैनिटी को है उसको बचाएं, ताकि हमारा जो दुनिया है वो एक ब्यूटीफुल बने, हमारा एक प्यारा सभा दुनिया बने, ताकि उसमें सभी रहने वाले सुखी से रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, वेटरन फॉर्मर एथलेटिक कोच पासिस अवे। जो हमारे एक बेहतरीन कोच थे वो उनका निधन हो गया है। तो वो निधन कब हुआ है उनका? वो जिनका निधन हुआ उनका नाम कब है, क्या है? तो उनका नाम है पुरुषोत्तम राय। वो पुरुषोत्तम राय थे जो एक एथलीट कोच थे, इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, जैसे 1987 में इंडिया टीम को लीड किया था फॉर वर्ल्ड वाइड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। फिर 1988 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के लिए इन्होंने ट्रेन किया था इंडियन टीम को। फिर 1999 में सेफ गेम्स के लिए इन्होंने इंडिया टीम को कोच किया था। तो ये अनुभवी एक कोच थे, जो एथलेटिक कोच थे, जो अब नहीं रहे दुनिया में, वो थे पुरुषोत्तम राय। CISF develops in-house mobile app to reach ex-servicemen. तो CISF ने एक डेवलप विकसित किया है ताकि वो जो रिटायर्ड ex-servicemen है उनसे डायरेक्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जा सके, ताकि उनको एक उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया सके और उनको उनके पेंशन या जिस तरह के भी अमाउंट हो डायरेक्टली उनको मिल पाए। तो वो कौन सा स्टेप है, जो कौन सा ऐप है जो CISF ने डेवलप किया है? तो वो है पेंशनर कॉर्नर ऐप CISF ने डेवलप किया है ताकि वो एक्स सर्विसमैन से रीच आउट कर सके, डायरेक्टली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, और जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनको परेशानियां हैं, या जो भी जिस तरह के भी उनको, जैसे किसी को पेंशन टाइमली नहीं जा पा रही है, किस तरह के इशू है, तो वो डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF कौन है? तो राजेश रंजन डायरेक्टर जनरल है अपने CISF के, राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हु अमंग द प्लेयर हु वन F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला 2020 में वो कौन खिलाड़ी है जो 2020 F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? वो कौन सा खिलाड़ी है इनमें से जो F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो आपको जवाब देना है, देखिए कौन है, ये सारे ग्रैंड प्रिक्स प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप मतलब कोई ना कोई सीरीज में वो जीतते हैं। एलेक्स एल्बन, सेबेस्टियन विटल, लुइस हैमिल्टन, वेल्टेरी बोटास, ये सारे का कुछ ना कुछ अपना अपने फील्ड, मतलब सारे F1 ये है, F1 रेसर है। तो ये है लुइस हैमिल्टन वो प्लेयर है जो इनके, ये बहुत बड़े हस्ती हैं, इन्होंने काफ़ी ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। तो इनके बारे में अगर कुछ जाना हो तो इनके बारे में डिटेल पढ़िएगा, ये काफ़ी भी जैसे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बहुत सारे ऐसे ग्रैंड प्रिक्स F1 ग्रैंड प्रिक्स में बहुत सारे सीरीज हैं जिनमें इन्होंने ये अपना चैंपियनशिप स्थापित किए। तो ये था आपका जो 1st of September का कंप्लीट करंट अफेयर, और होपफुली आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा कंटेंट मेरा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी
मैंने ये काम स्टार्ट किया आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम। ऐसे मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि UPSC एस्पायरेंट्स भी हूँ, एस्पायरेंट भी हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को हेल्प करूँ और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट बना के लाऊँ। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगना चाहिए और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इस मेरे चैनल्स को जरूर लाइक कीजिएगा, आईक्यू वर्ल्ड को, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट हमेशा लाता रहूं। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।